गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल। मैं सिद्धार्थ मौर्य और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सो गाइज आज हम वापस आ चुके हैं एक नए फूड ब्लॉगिंग के वीडियो के साथ। सो आज हम जाने वाले एक कॉफी के सेंटर के। आलोक ने बताया था मुझे 2-3 दिन पहले कि यहाँ पे कॉफ़ी पीने गया था, कोल्ड कॉफ़ी उसको बहुत ही अच्छी लगी है। तो हम भी आज जाएंगे वहाँ पे, ट्राई करेंगे कोल्ड कॉफ़ी कैसी लगती है। तो और आलोक को पता है लोकेशन वगैरह, तो आलोक के साथ ही जाने वाला हूँ मैं। आलोक ही हमारा ड्राइवर बनेगा, तो आलोक चल देना। वैसे आज सिद्धार्थ ने बहुत बड़ा मन किया है, उसने आज ट्रीट देने का सोचा खुद से। तो मैंने बोला यार चलो यार थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए इनको ट्रीट देनी पड़ती, नहीं तो आती नहीं साला कोई। वैसे ये मतलब के लिए ट्रीट दे रहा है, वैसे तो बाकी कुछ नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक गुड न्यूज थी इसलिए मैं ट्रीट दे रहा हूँ। सो आपको थोड़े दिन बाद पता चल जाएंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स में। कब डाल रहा है फिर वो व्लॉग? अरे बहुत ही जल्द आने वाला है, रुको थोड़ा सबर करो। सो अभी हम जाते हैं डायरेक्ट व्लॉगिंग के लिए, उसके वो व्लॉग के लिए। वैसे तो बहुत व्लॉग आने वाले हैं आज, अभी चैनल पर शुरू हो जाएंगे हमारे कंटिन्यू व्लॉगिंग। ऐसी बरसात होने वाली है व्लॉग्स की, सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए उस कंटेंट के लिए। सो अभी हम जाते हैं अभी। सो गाइज अभी हम निकल चुके हैं और अभी है आप जो आगे का स्क्वायर देख सकते हो, है गाड़गे नगर का स्क्वायर। तो अपन को गाड़गे नगर के स्क्वायर से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, जो सिटी सेंटर है उसके साइड की जो लाइन है वहाँ पे, वहाँ से स्ट्रेट जाना पड़ेगा उस स्टोर के लिए। सो आप बने रहे वीडियो में और देखते रहिए लोकेशन को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पेस और सिटी सेंटर। सो यहाँ से अपन को टर्न लेना पड़ेगा इस टर्निंग से और फिर स्ट्रेट जाना पड़ेगा सिटी सेंटर के एकदम साइड की जो रो है वहाँ से जाना पड़ता है। और मैंने मेरे एक दोस्त को भी बुलाया था, वो यहाँ पे कहीं रुका है, तो उसको भी रास्ते से हम पिकअप कर लेंगे। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे कॉफी स्टेशन के पास। आपको रास्ता तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। सो अभी मेरे दो दोस्त भी आ चुके हैं। सो अभी हम जाएंगे अंदर और ऑर्डर वगैरह देंगे और भैया से थोड़ी बात कर लेंगे। सो आगे का वीडियो में मेरे दोस्त को दे दूंगा शूट करने के लिए और आपको लोकेशन तो पता ही चल गई होंगी। सो अभी हम अंदर जाते हैं और ऑर्डर करते कुछ तो भी। दादा माझं नाही यूट्यूब चॅनल आहे, मला ब्लॉगिंगसाठी शूट करायचं आहे, चालेल का शूट केलं? चालते ना, काही प्रॉब्लेम नाही। काय नाव आहे तुमचं? सिद्धार्थ मावरे ब्लॉग्स नाव आहे, तुम्ही सर्च करून बघू शकता। मी कसं फूड ब्लॉगिंगचा करणार दुकान करू आणि तुम्ही कसा ऑर्डर देऊन ब्लॉग तर तुमचं नाव कसं? माझं नाव जयेश चव्हाण आहे, कॅमेरा जयेश चव्हाण आहे। किती दिवस झाले काही शूट करून स्टोअर करून शॉप चालू करून माझं 2 ते 3 महिने होतं कंप्लीट। अच्छा, मी एकदा ॲड्रेस सांगाल? ॲड्रेस राधानगर सिटी सेंटर लेन त्या समोर, जस्ट समोर फ्रेंड्स कॅफेच्या समोर। ठीक आहे, तर कोण घेणं काय घ्यायचं? रेट्स बघून घ्या तुम्ही। हां, तर काय घेता आलो? मी ओरिओ कोल्ड कॉफी घेणार। मी आईस्क्रीम घेतो, एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर करून देतो। तर दादा हे 3 एक-एक करून टाक, म्हणजे आम्हाला टेस्ट पण माहीत पडून जाईल आम्ही तुमचा नाही तर। ठीक आहे, रिव्ह्यू पण देऊ शकता। ठीक आहे, तू पण प्रोसेस करायला चालू। हां हां, ठीक घे चिन्मय, स्टार्ट कर, पहा कशी लागते तर। हां, सो गाइज हमने जो कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी वो अभी आ चुकी है और हम तीनों ने अलग अलग कोल्ड कॉफ़ी ली है। मैंने आइसक्रीम विद कोल्ड कॉफ़ी ली, फिर मैंने सादी कोल्ड कॉफ़ी ली है और आलोक ने ओरियो कोल्ड कॉफ़ी ली है। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू बताएंगे कैसी हमें टेस्ट लगी है। सो अभी हम थोड़ी टेस्ट कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद आपसे भी बात करते हैं।
तो गाइस अभी हमने टेस्ट की थी कोल्ड कॉफ़ी, तो आइसक्रीम कोल्ड कॉफ़ी ली थी मैंने, मुझे तो अच्छी लगी भाई टेस्ट। तो आलोक से बात करते हैं, उसको कैसी लगी थी, कैसी रहा आलोक कोल्ड ओरियो कोल्ड कॉफ़ी? प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छी है। हाँ, और आपने प्राइस कार्ड तो देख ही लिया होगा, हमने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको दिखा दिया था और हाँ, मुझे भी पसंद आ गई। तूने जो घर पे बनाई थी ना उससे बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा। भाई तूने थोड़ी ना टेस्ट की थी, मैंने कैसे लेकिन मैं बता सकता तेरे चेहरे से। ओ, ऐसा कुछ नहीं रहता। अभी चिन में बताएंगे उसको कैसी लगी। तो चिन में कैसी लगी? अच्छी लगी, देखो ठीक है। सो अभी हम थोड़ी पूरी कंप्लीट की पी लिए थे और फिर भैया के साथ बात करेंगे। आलोक देखो एक बात बताओ, कह रहे कि जी इसके ग्लास है ना उसके ऊपर कवर वगैरह लगाया है यार, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ऐसे प्रीमियम फील लेता है और टेस्ट में भी अच्छी है वैसे, मुझे अच्छी लगी। जो कोई भी यहाँ पे ट्यूशंस वगैरह आता है उनके लिए बेस्ट, गाड़गे नगर में जो जो ट्यूशंस को आता है, हमारी भी यही पे ट्यूशंस थी। हमारी ट्यूशन थी, लेकिन हमारे वक्त ऐसा कुछ था नहीं। नहीं, मैं आया था इसके पहले एक बार और आलोक तो बहुत बार थी, नहीं तीन दो महीने पहले मैं आया था यहाँ पे, तब भी मैंने टेस्ट की थी, इसलिए मैं आज वापस आया यहाँ पे शूट करने के लिए। जो कोई भी यहाँ पे ट्यूशंस के लिए आता है मस्ट विजिट दिस प्लेस, कॉफी स्टेशन, ए स्क्वायर कॉफी स्टेशन। और जब आप यहाँ पे आओगे तो भैया को जरूर बताना कि आप हमारा ब्लॉग देख के आए, उससे उनको भी अच्छा लगेगा। तर मी पेमेंट करून येतो। दादा किती झाले आपले, किती वेळ आपले 135 ना? तो भाई पेमेंट कर दिया है मैंने अभी। दादा कॉफी वगैरह छान होती आणि आम्ही आमच्या व्यूअर्सला पण म्हटलं या इथं विजिट द्या। तर 4 ते 11 रात्रीचे सुरू राहते हे शॉप कोल्ड कॉफीचं, तर इथे नक्की विजिट द्या तुम्ही। सर चल मग येतो दादा, थँक्यू।